Assalamualaikum, my dear student. This is Shah Hussain and today I am going to discuss about first year mathematics unit number 8, mathematical induction and binomial theorem. हम question पे apply करेंगे procedure. यहाँ पर हमारे पास first question है, use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n. अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, इसे हम फार्मूला कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, गिवन है, और हमें इसे प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है. तो हम इस पे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड बेसिकली एक प्रोसीजर का नेम है जिसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी फार्मूले को या स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कि आया कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये फार्मूला हमारा ट्रू है या नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, 1 + 5 + 9 + up to so on + 4n - 3 = n (2n - 1). हमें इसे प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से. अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के हमारे पास टू कंडीशन हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम ये स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू वन. और कैसे प्रूफ करेंगे, हमने इस फार्मूले की लेफ्ट साइड में, लेफ़्ट साइड की जो लास्ट टर्म है वहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और राइट साइड में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे. दोनों साइडों का अगर आंसर इक्वल आता है तो हम कहेंगे कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड. देन क्या करेंगे, देन हम सपोज करेंगे कि ये फार्मूला एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है और वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम कंसिडर करेंगे k. और अगर ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k पर ट्रू है, हमने ये सपोज कर लिया है, तो देन हम इसे प्रूव करेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, यानी उससे नेक्स्ट नंबर पे हमें प्रूव करना होगा. तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है. सबसे पहले मैंने राइट किया C1 स्टैंड फॉर कंडीशन 1. कंडीशन 1 क्या है, फॉर n इज़ इक्वल टू 1. अब डियर स्टूडेंट, n की वैल्यू 1 कहाँ पुट करनी है, लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म में. तो यहाँ बनेगा हमारे पास 4 × 1 - 3 और राइट साइड में जहाँ जहाँ n है हम 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 2 × 1 - 1. सिंप्लीफाई किया तो डेफिनेटली हमारे पास लेफ़्ट साइड क्या है, 4 × 1 = 4 - 3, राइट साइड क्या है, ये हमारे पास डेफिनेटली 1 है, ये 2 - 1. तो आप नोटिस करें, अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 1 = 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कंडीशन 2 में कि ये हमारे पास जो फार्मूला है ये ट्रू है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k के लिए. कंडीशन 2 में सपोज दैट फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और ये k किसको बिलोंग करता है, k बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर को. दैट इज़, इसका मतलब ये है कि हम ये सपोज कर चुके हैं 1 + 5 + 9 + up to so on + 4k - 3 इज इक्वल टू के इंटू 2k - 1. डियर स्टूडेंट, हमने सपोज किया कि ये फार्मूला लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k पर ट्रू है, और अगर k पर ट्रू है तो फिर हमें हर हाल में प्रूफ करना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ k प्लस 1. नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट टर्म ऐड कर देंगे. हम इस इक्वेशन नंबर 1 में एडिंग करेंगे 4 × k + 1 - 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट.
जब हम वो साइड पे ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड बनेगी 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ये ऑलरेडी था 4k माइनस 3, इसमें हमने ऐड कर दिया 4 इंटू के प्लस 1 माइनस 3, और हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड थी हमारे पास k इंटू 2k माइनस 1, इसमें ऐड कर दिया हमने 4 इंटू के प्लस 1 माइनस 3। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन, सेकेंड लास्ट टर्म को राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टर्म राइट कर दी 4 इंटू के प्लस 1 माइनस 3। अब हमें राइट साइड को कन्वर्ट करना होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस के प्लस 4k प्लस 4 माइनस 3, अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का हमारे पास बनेगा 1, पेयर बनाएंगे 2 वन द 2 तो ये बनेगा हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस के प्लस 1, अगेन फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे 2k कॉमन आ गया यहाँ पर k प्लस 1, लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन तो ये बनेगा k प्लस 1, अगेन कॉमन लिया k प्लस 1, रिमेनिंग क्या रहा 2k प्लस 1। अब हमारी एफर्ट क्या है, हमारी एफर्ट ये है कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको जहाँ k दिखाई दे रहा है वहाँ का क्या दिखाई दे, k प्लस 1, तो आप नोटिस करें फर्स्ट k तो चेंज हो चुका है k प्लस 1 में। अब नेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसमें क्या किया, 1 को राइट कर दिया क्या भला 2 माइनस 1, जस्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बना हमारे पास k प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, और लेफ्ट साइड पे सेम साथ साथ राइट करते जाएंगे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 4 इंटू के प्लस 1 माइनस 3। अब आप डियर स्टूडेंट नोटिस करें कि इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ के था, जहाँ जहाँ k था ये किस में चेंज हो चुका है, k प्लस 1 में चेंज हो चुका है, तो हम कह सकते हैं हैंस गिवन फार्मूला इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे पास टू कंडीशन हैं, हम इस पर अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की टू कंडीशन, और हमारे पास टू कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम क्या करेंगे 4n इज़ इक्वल टू 1, ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है इसके लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म में जहाँ जहाँ n है हम 1 पुट करेंगे, और राइट साइड में जहाँ जहाँ n है 1 पुट करेंगे, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बोथ साइड का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा, और जब बोथ साइड का आंसर इक्वल आएगा तो हम मेंशन करेंगे सो कंडीशन नंबर फर्स्ट इज़ सेटिस्फाइड। देन सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हम सपोज करेंगे कि अगर ये फार्मूला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 पे ट्रू है तो ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के पर भी ट्रू होगा, और अगर ये के पर ट्रू है तो डेफिनेटली हमें फिर प्रूफ करना होगा इसे के प्लस 1 के लिए। तो ये एक प्रोसीजर है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का। तो मैंने सबसे पहले क्या राइट किया, यहाँ पर मैंने राइट किया कंडीशन फर्स्ट फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट n की वैल्यू 1 पुट करनी है, कहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करनी है, लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म में, ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 और इक्वल टू राइट साइड में जहाँ जहाँ n है। अब आप नोटिस करें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 वन द 2 माइनस 1 ये बनेगा 1 और राइट साइड पे इक्वल बनेगा 1, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब जो कंडीशन फर्स्ट थी वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। कंडीशन टू में क्या करेंगे,
कंडीशन टू में सपोज करेंगे, सपोज दैट फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस फॉर एन इज इक्वल टू के, और यहाँ पर फॉर एन इज इक्वल टू के, और यहाँ पर के किसको बिलोंग करता है, के बिलोंग करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को। दैट इज हमने ये सपोज कर लिया है 1+3+5+2k-1 इज इक्वल टू के स्केयर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसे हर हाल में प्रूफ करना होगा फॉर के प्लस वन। नाउ वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। और उसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टर्म हम ऐड करेंगे। क्यों नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, जनरल सी बात है कि अगर देखें यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 1 2 -1 फर्स्ट टर्म आती है n की। क्यों अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट टर्म बोथ साइड पे ऐड करेंगे। क्यों नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, जनरल सी बात है डियर स्टूडेंट, देखें 2k-1 ये राइट की, ये लास्ट टर्म लेफ्ट साइड की। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2 -1 ये हमारे पास 1 आता है। k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 4-1 3 आता है। k की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 2 3 6-1 5 आता है। तो ये हमारे पास kth टर्म है। तो नेक्स्ट हमारे पास के प्लस वन टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, एडिंग 2 into k+1-1 ऑन बोथ साइड, इसे हम बोथ साइड ऐड करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड क्या बनेगी, 1+3+5+2k-1 इसमें हमने ऐड कर दिया 2 into k+1-1। और सेम यही टर्म राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। राइट साइड में क्या है हमारे पास, राइट साइड में ऑलरेडी था हमारे पास k स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दिया 2 into k+1-1। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन लेफ्ट साइड हमारे पास सेम रहेगी, 1+3+5+2 into k+1-1। डियर स्टूडेंट मैंने जस्ट लास्ट टर्म राइट कर दी, नो नीड टू राइट सेकंड लास्ट टर्म। और यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये राइट साइड बनेगी k स्क्वायर प्लस 2k+2-1। अब आप नोटिस करें लेफ्ट साइड है 1+3+5+2 into k+1-1, ये लेफ्ट साइड वैसे ही राइट कर दी। राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k+1। अब आप नोटिस करें राइट साइड पे हमारे पास फार्मूला ओपन है, तो हम इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। हमारे पास जब मैं इसे क्लोज करूँगा तो क्या बनेगा, एक स्टेप में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab+b² और जब हम इसे वाइंड अप करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा। लेफ्ट साइड सेम 2 into k+1-1 और राइट साइड पे बनेगा a² + 2ab + b², ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, हमारे पास जो गिवन फार्मूला था उसमें जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर वन में जहाँ जहाँ k था चेंज हो चुका है, किसमें k+1 में चेंज हो चुका है, या आप ऐसे कह लें कि गिवन फार्मूले में, गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n था वो किसमें चेंज हो चुका है, k+1 में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैंस गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। इसका मतलब ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, इसे हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। तो डियर स्टूडेंट हम इस पे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एक प्रोसीजर का नेम है, इसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी फार्मूले को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में फॉर एन इज इक्वल टू वन, यहाँ पर हम एन की वैल्यू वन पुट करेंगे। कहाँ एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म में एन की वैल्यू पुट करेंगे और राइट साइड में जहाँ जहाँ एन है वन पुट करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे, बोथ साइड का आंसर सेम आएगा, बोथ साइड का आंसर इक्वल आएगा, हम मेंशन कहेंगे करेंगे सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड होती है, अगर ये फार्मूला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वन के लिए ट्रू है, तो हम सपोज करेंगे यही फार्मूला लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम सपोज कर लेंगे कि की है के है। अगर ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये फार्मूला ट्रू है, तो देन वी हैव टू प्रूव दिस फार्मूला फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो डियर स्टूडेंट देन हम एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए इसे प्रूफ करेंगे, और लास्ट में जाके आप ये कह लें क्वेश्चन नंबर गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एन है आपको दिखाई देगा के प्लस वन। अगर जहाँ जहाँ एन है आपको दिखाई दे के प्लस वन, तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉर n इज इक्वल टू वन, हमें n की वैल्यू वन पुट करनी है। कहाँ पे, लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म जो है हमारे पास ये बनेगा 3 इंटू वन माइनस टू, सिंप्लीफाई करेंगे, और राइट साइड में जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है हम वन पुट करेंगे, तो डेफिनेटली ये बनेगा 3 इंटू वन माइनस वन अपॉन टू। डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3 माइनस टू, ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बनेगा 1, राइट साइड पे बनेगा 3 1 3 माइनस वन 2 2 डिवाइड बाय 2, ये बनेगा 1। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम कंडीशन नंबर 2 में सपोज करेंगे। कंडीशन नंबर 2 में सपोज किया, सपोज दैट फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, वेयर के बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमने ये सपोज किया कि ये फार्मूला एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, तो फिर डेफिनेटली जहाँ जहाँ n है ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, k में रिप्लेस हो जाएगा, 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ये बनेगा 3k माइनस 2 और इक्वल बनेगा हमारे पास k इंटू 3k माइनस 1 अपॉन 2। डियर स्टूडेंट इसे हमने मेंशन कर दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम इसे k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे इससे नेक्स्ट टर्म लेनी है, ये kth टर्म है तो मुझे k प्लस 1th टर्म बनानी है। तो उसके लिए लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म में k को रिप्लेस कर दूंगा k प्लस 1 में, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड बनेगी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ये बनेगा
थ्री के माइनस टू और इसमें ऐड कर दिया थ्री इंटू के प्लस वन माइनस टू, और राइट साइड है हमारे पास ऑलरेडी के इंटू थ्री के माइनस वन, थ्री के माइनस वन अपॉन टू, इसमें ऐड कर दी टर्म कौन सी थ्री इंटू के प्लस वन माइनस टू। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को वैसे ही राइट कर देना है। लेफ्ट साइड क्या है, वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस अप टू सो ऑन प्लस थ्री के माइनस टू, और यहाँ पर प्लस अप टू सो ऑन, नो नीड टू राइट सेकेंड लास्ट टर्म, मैं जस्ट लास्ट टर्म राइट करूँगा। और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड क्या है हमारे पास के इंटू थ्री के माइनस वन अपॉन टू, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के प्लस थ्री माइनस टू। डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है, टू एलसीएम आएगा के इंटू थ्री के माइनस वन प्लस ये टू मल्टीप्लाई होगा टू इंटू थ्री के प्लस वन। अब इन्हें अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड हमारी सेम रहेगी, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ये साथ साथ चलती रहेगी। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा थ्री के स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स के प्लस टू। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा राइट साइड को तो ये बनेगा थ्री के स्क्वायर प्लस का फाइव के प्लस टू। डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें पेयर बनते हैं थ्री टू द सिक्स, तो मैं इसके पेयर बनाऊंगा तो ये बनेगा थ्री के स्क्वायर प्लस का थ्री के प्लस का टू के प्लस टू अपॉन टू। अब अगेन जब मैं कॉमन लूँगा फर्स्ट टू टर्म से तो हमारे पास थ्री के कॉमन आएगा, रिमेनिंग आएगा के प्लस वन, और यहाँ से टू कॉमन लूँगा तो के प्लस वन, एक स्टेप में डियर स्टूडेंट स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा के प्लस वन इंटू थ्री के प्लस टू। अब मुझे इसके ओवर में क्या है, डिवाइड बाय हमारे पास टू ही है। अब मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन नंबर वन में जहाँ जहाँ के है के प्लस वन बनाना है। तो डियर स्टूडेंट काफ़ी हद तक ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, जस्ट हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप है, उसे हम एडजस्ट करते हैं अभी। लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या रहेगी, लेफ्ट साइड रहेगी हमारे पास सेम, उसी तरह राइट करते जाएंगे। यहाँ पर इसे मैं मैनेज करने की ट्राई करता हूँ, राइट साइड को लेफ्ट साइड डियर स्टूडेंट सेम रहेगी, इक्वल टू राइट साइड आप नोटिस करें, ये हमारे पास है के प्लस वन और यहाँ पर है हमारे पास थ्री के प्लस टू। अब क्योंकि मुझे के कॉमन लेना है तो टू को मैं राइट कर सकता हूँ यहाँ से चिटिंग करते हुए थ्री माइनस वन, क्योंकि थ्री माइनस वन टू ही होता है। बेनिफिट क्या बना, बेनिफिट ये मिला कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब आप नोटिस करें राइट साइड में इक्वेशन नंबर वन में जहाँ जहाँ के था आपको क्या दिखाई दे रहा है, के प्लस वन, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हैंस गिवन फार्मूला इज ट्रू, हैंस गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए फार्मूला हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, स्टेटमेंट वही है, फार्मूला गिवन है, हमें इसे प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एक प्रोसीजर का नेम है, इस पे हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो कितनी कंडीशन है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की, टू कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखा C1 स्टैंड फॉर फर्स्ट कंडीशन फॉर n इज़ इक्वल टू वन। अब डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड की जो लास्ट टर्म है इसमें जहां आपको n दिखाई दे रहा है वन पुट कर देंगे, वन माइनस वन, और राइट साइड में जहां आपको n दिखाई दे रहा है वन पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, डेफिनेटली यहां राइट कर देता हूं, टू टू द पावर ज़ीरो और इक्वल है टू टू द पावर वन, डेफिनेटली टू ही टू माइनस वन वन। तो आप नोटिस करें ये हमारे पास वन इक्वल वन आ चुका है, हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स देयर फॉर कंडीशन फर्स्ट इज
सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड हो चुकी है तो देन हम सपोज करेंगे, सपोज दैट फार्मूला इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर के। यहाँ पर कंडीशन नंबर टू में हम सपोज दैट फार्मूला इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k, दैट इज यानी जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपको n दिखाई दे रहा है ये किस पे ट्रू है, ये फार्मूला हमारा ट्रू है k पे, हमने n को रिप्लेस कर दिया k में, तो ये बनेगा 2 to the power k-1। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा Now we prove it mean to say this formula for n is equal to k plus 1। उसके लिए डियर स्टूडेंट यहाँ से हमें इससे नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अप टू सो ऑन, ये kth टर्म है। तो इससे नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए मुझे ऐड करना होगा एडिंग, जहाँ इसमें लास्ट टर्म में k है इसको रिप्लेस कर देना है k+1-1 ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड पे ऐड करूँगा तो लेफ्ट साइड बनेगी हमारे पास डेफिनेटली 1+2+4+2 to the power k-1 +2 to the power k+1-1। यहाँ पर हमारे पास ये आएगी और नेक्स्ट एडिंग, और सॉरी यहाँ k है, k प्लस 1 में रिप्लेस किया तो ये माइनस 1 साथ ही रहेगा, यहाँ पर माइनस का हमारे पास आएगा 1। यानी क्या किया इसमें, जहाँ जहाँ k था रिप्लेस किया k प्लस 1 में और बोथ साइड पे ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड में ये हमारे पास है -1-1 और इक्वल टू राइट साइड पे ऐड करेंगे, राइट साइड क्या है 2 to the power k-1, इसमें ऐड कर दिया 2 to the power k+1-1 और -1। सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट साइड सेम रहेगी 4+ up to so on, नो नीड टू राइट सेकंड लास्ट टर्म, जस्ट राइट करेंगे लास्ट टर्म 2 to the power k+1-1 और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें 2 to the power k और ये फिर बनेगा, इनको यानी इंटरचेंज कर रहा हूँ, 2 to the power k-1-1 क्या बनेगा -2। आप अगेन सिंप्लीफाई किया 1+2+4+up to so on+2 to the power k+1-1 और ये सेम आप कंसीडर करें जैसे x+x कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 times 2 to the power k-2। यहाँ सॉरी लेफ्ट साइड में हमारे पास ये माइनस वन नहीं है, लेफ्ट साइड पे ये वाला हमारे पास माइनस का 1 नहीं है, ऐड करते हुए जस्ट हमने ऐड क्या किया, ऐड किया 2 to the power k+1-1 ऑन बोथ साइड, तो राइट साइड पे था 2 to the power k-1 ऑलरेडी और ये वाला इसमें हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा -1, यहाँ पर -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, बेस सेम है, पावर ऐड 2 to the power k+1-1, ये सेम रहेगा 1+2+4+up to so on+2 to the power k+1-1। अब आप नोटिस करें इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ k है आपको क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ k है आपको k+1 दिखाई दे रहा है, हैंस गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो डियर स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड, थैंक यू सो मच।